आज मैं आप लोगों को आम का स्पेशल कुचा अचार बनाकर दिखाऊंगी, जिसे बनाने के बाद आप कोई भी सब्जी खाना भूल जाएंगे, कोई भी सब्जी इसके आगे फीकी लगेगी। तो मैंने इसे कैसे तैयार किया है सभी आपको बताएंगे, तो पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखें, एंड तक देखें वीडियो को। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी अचार बनी है आम का कुचा अचार। आम का कुचा अचार इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे कूच कर बनाया जाता है। तो फुल प्रोसेस आप देखिए। तो चलिए वीडियो को हम शेयर करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आम का कुचा अचार एकदम इंस्टेंट और परफेक्ट बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला है आम का कुचा अचार। इसे कुचा अचार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कूच कर बनाया जाता है, लेकिन मैं कूच कर और इसे ग्रेट कर दोनों तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए, एक आम को हम कच्चे आम को हम इसे काट लेते हैं पीसेस में, ताकि इसे कूचने में आसानी हो और पत्ते पत्ते इसे काट लेते हैं। आम है और मैंने पहले से ही ज्यादा मात्रा में आम का जो कुचा अचार है बनाकर तैयार कर लिया है, उस समय मैं दिखाना भूल गई, तो थोड़े से आप लोगों के लिए बस दिखा रही हूँ। तो चलिए, छोटे छोटे पीसेस हमने काट लिया, इसे अब कूच लेते हैं। तो ये ऐसा है, गट्टा का लोढ़ा लिए है हम, इसे हम कूचेंगे। कूचा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कूचा जाता है, सभी को कूच लेते हैं पहले। इसे आप सिलबट्टे पे भी कूच सकते हैं, लेकिन हमें इसी में अभी रेडी कर लेना है, तो मैं सिलबट्टे पे नहीं कूच रही हूँ। एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा सा इसे कूटना है। ये कूट कर हमने तैयार कर लिया है, अब इसे हम इसे बेटर से ग्रेट करेंगे। थोड़े से लच्छे आम के जो है, कच्चे आम के अच्छे लगते हैं इसमें, इस तरह से लच्छे वाले बनाएंगे। तो इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। हमें ग्रेट किए हुए लच्छे वाले कुचा बहुत पसंद है, थोड़ा सा ग्रेट भी कर लेते हैं इसमें, ताकि दिखने में अच्छा लगे। बहुत इजी है, कोई भी इसे बना सकता है। और देखिए, इसे आप दाल चावल रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए, इसी में अब अदरक को ग्रेट करेंगे। एक इंच अदरक हमने ले लिया है और ये एक इंच अदरक है, इसे हमने छील करके धो करके सुखा लिया है। सभी चीजों को हमें धो करके सुखा लेना है छीलने के बाद, ताकि पानी ना रहे। और इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पतले पतले जूलियंस में भी काट कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्रेट कर ले रहे हैं। अदरक की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। कई जनों को ये जूलियंस में काटा हुआ पसंद आता है,
आप इसे जुलियन में काट कर भी ले सकते हैं। तो एक इंच अदरक का आपने ले लिया है, अब लेते हैं इसमें लहसुन, खूब सारा लहसुन इसमें जाएगा, ये लहसुन और ये छिले हुए लहसुन, खूब सारा लहसुन है। इसे हमने इसके छिलके उतारने के बाद अच्छी तरह से धो करके पोंछ दिया है, सुखा लिया पानी इसका, तो थोड़ा थोड़ा इसे पूछ लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बस हल्का सा इसे पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछना है, बस हल्का सा। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को हम बारीक काट लेते हैं। हरी मिर्चों को भी हमने दो कड़ में साफ कर लिया था और पोंछ कर सुखा लिया था, तो इसे बारीक बारीक काट लेते हैं, जितना आपको तीखा खाना हो बारीक बारीक काटेंगे। मुझे फटाफट से बनने वाला ये आम का कुचा अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऐसे ही नई नई रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ, जो आपके लिए मददगार हो, कभी भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए, खूब सारा हरी मिर्च हम इसमें काट लेते हैं, तो काटने के बाद आपको दिखाएंगे। और ये जो है हरी मिर्चों को भी हमने बारीक काट लिया है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे ही रहने देंगे, तो थोड़ा थोड़ा पूछ लेंगे। बस इतना काफी है। अब इसमें डालेंगे हम, चलिए आपको क्लोज से दिखाते हैं पहले। और ये देखिए हमने क्या क्या लिया है, लहसुन लिया है खूब सारा ग्रेट किया हुआ, एक इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्चें हैं खूब सारा, हमने इसे बारीक काट कर थोड़ा सा कूट लिया है, ग्रेट किया हुआ है आम, थोड़ा सा ग्रेट करके हमने लिया है, और ये ऊँचा हुआ आम है, यही सब है। अब चलिए सूखे मसाले और नमक डालते हैं, इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन और मंगरेला, डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, डालेंगे इसमें एक चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अगर आपको अचार ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्ची का मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो हमें तीखा पसंद है, थोड़ा सा मिर्ची और डाल देते हैं इसमें, आधा चम्मच और डाल रहे हैं, सभी चीजों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, सभी चीजें हमने ऐड कर दिया है ऑयल को छोड़ करके, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसे एक जार में हम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स करें, सभी चीज़ों को हमने ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम एक जार में ले लेते हैं। चलिए सूखा जार लेंगे जिसमें पानी ना हो, ड्राई एकदम रहना चाहिए, और इसमें भर लेंगे। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, आप देख सकते हैं, ऑयल अब डालेंगे, इसे हम जार में डाल लेते हैं, सभी हमने भर लिए हैं, इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, करीब 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों का तेल का डाला है, बस थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आम का अचार आप कभी भी बनाएं तो इसे मिक्स करते हुए आप चम्मच का जरूर यूज़ करें, हाथों का डायरेक्ट यूज ना करें,
और मिक्स कर लेते हैं। कभी भी अचार को विचार से ही बनाया जाता है साफ सफाई के साथ, तो जरूर हाइजीन का जरूर ख्याल रखें। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक सूती के कपड़े से उसका मुंह जो है ढक करके हम रख देंगे और इसे धूप में 1 से 2 दिन ही बस दिखाएंगे, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। और इसे किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप इसे बना कर रख लेते हैं तो किसी भी सब्जी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है कोई भी सब्जी आपको नहीं लगेगी इसके आगे, सब्जी फीकी पड़ जाएगी। तो चलिए जरूर आप बनाइए। इसे हम 2 दिन के लिए धूप में दिखाएंगे, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे अपने खाने में। आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।